जिले से है जहां पुलिस और शराब कारोबारी के गठजोड़ का मामला सामने आया है। दरअसल जिले के पनवार थाने में पदस्थ थाना प्रभारी ने एक दिन पहले अवैध बिक्री की शराब की जब्ती कराई थी। उक्त शराब को थाना प्रभारी ने अपने कक्ष में रखवा लिया था। इसके बाद शराब कारोबारी के साथ थाने में ही उनकी मीटिंग हुई और जब्त की गई शराब वापस लौटा दिया। सोशल मीडिया पर शराब वापस लौटाने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई तो प्रथम दृष्टि यह आया कि थाना प्रभारी आरएस बागरी ने जब्त की गई शराब को वापस लौटाया है। जिस दौरान शराब कारोबारी अपने वाहन में शराब लेकर जा रहा था, उसी समय थाने के एक पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाने का भी प्रयास किया। इस पर थाना प्रभारी ने उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मोबाइल छुड़ाकर फेंक दिया था। कुछ शराब थाना प्रभारी ने अपने घर में रखवाई, उसकी जांच भी की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि एसपी ने एसडीओपी को जांच सौंपा है और थाने के सीसीटीवी फुटेज और कर्मियों के बयान के आधार पर यह माना गया कि थाना प्रभारी बागरी ने शराब कारोबारी के साथ मिलकर यह काम किया है। इसके पहले भी ऐसे ही मनमानी करने की वजह से बागरी को लाइन हाजिर किया जाता रहा, लेकिन वह अपनी कार्यप्रणाली पर सुधार नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि जानकारी सामने आई थी कि इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी की भूमिका सही नहीं पाई गई, जिसके चलते लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि कई थाना प्रभारी ऐसे हैं जिनको अपराधियों असामाजिक तत्वों से मित्रता रहती है, जबकि आम जनता के प्रति उनका रवैया सख्त रहता है।